तो देखिए, संसद के बाहर हंगामे का एक वीडियो बनाने वाला ललित झा आखिर कौन है जिसने आरोपियों को संसद में जाने के लिए उकसा दिया था? जी हां, ललित झा हमले में शामिल चारों आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर फरार है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की छापेमारी जारी है। देखिए ललित झा की पूरी क्राइम कुंडली। संसद के अंदर और बाहर कोहराम मचाने वाले चार थे, चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। गुरुग्राम में इन्हें ठिकाना देने वाला भी पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन इन पांचों के अलावा एक और आरोपी था जिसका नाम ललित झा बताया जा रहा है। ललित झा बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। ललित का कई एनजीओ का नेटवर्क है, कोलकाता के एनजीओ से भी वो जुड़ा हुआ था। साम्यवादी सुभाष और सभा का जनरल सेक्रेटरी भी वो था। ललित झा ये वही शख्स है जो चार आरोपियों के अलावा संसद के बाहर मौजूद था। एक तरफ संसद में उसके दोनों साथी सागर और मनोरंजन स्मोक अटैक में लगे थे, तो दूसरी तरफ संसद के बाहर अमोल और नीलम गदर काट रहे थे। संसद के बाहर मौजूद ललित झा इस हंगामे का वीडियो बना रहा था। इस दौरान उसने कोलकाता के एनजीओ पार्टनर से बात की और व्हाट्सएप के जरिए यह वीडियो उसी एनजीओ पार्टनर नीलाक्ष को भेजा। इस दौरान उसने नीलाक्ष के साथ चैट भी की, जिसमें नीलाक्ष को आगाह किया गया कि वो वीडियो किसी के साथ भी शेयर ना करे। मीडिया कवरेज देखिए इसका और वीडियो सेव रखना आप। जय हिंद। ठीक है ललित, ये कहां पर हुआ था? संसद के बाहर जब हंगामा बढ़ने लगा तो ललित झा वहां से फरार हो गया। ललित झा अपने साथ उन आरोपियों के फोन भी लेता गया जिसमें बड़ी जानकारी छुपी हो सकती है। हालांकि बाद में इस हंगामे का वीडियो खुद ही अपने इंस्टाग्राम पर उसने शेयर भी कर दिया। ललित की आखिरी लोकेशन राजस्थान के नीमराना में पाई गई। जैसे ही स्पेशल सेल की टीम नीमराना पहुंची, ललित वहां से फरार हो गया। ललित झा के इंस्टाग्राम पोस्ट से भी बड़ा खुलासा हुआ है। ललित झा ने 26 अक्टूबर को एक पोस्ट की थी जिससे उसके खतरनाक मंसूबे जाहिर होते थे। उसने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, भारत को बम की जरूरत है, अत्याचार अन्याय और अराजकता के खिलाफ मजबूत आवाज की जरूरत है। जिस एनजीओ से ललित झा जुड़ा था, सूत्रों के मुताबिक एनजीओ ने ललित झा के नाम से कोई कार्ड जारी नहीं किया था, यहाँ तक कि अपना आधार कार्ड भी एनजीओ को देने में आनाकानी कर रहा था। जांच एजेंसियां इस बात को मानकर चल रही हैं कि साजिश के पीछे ललित का हाथ हो सकता है और वो इन सब के हैंडलर के तौर पर काम कर रहा था। टीम न्यूज़ नेशन।